नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा और आज हम मौजूद हैं महर्षि जावल ऋषि के आश्रम पर। जी हां, ये महर्षि जावली का आश्रम है। वो जावल ऋषि जिनका जिक्र रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी किया है। जेवर का नाम महर्षि जावली के नाम पर ही जेवर पड़ा हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ पर जेवर के लोग संध्या के समय आकर एकांत और शांति का अनुभव करते हैं। वही तपस्वियों की भूमि। यहाँ पर जावल ऋषि समेत सैकड़ों तपस्वियों ने तपस्या की है। आइए आज हम आपको दर्शन कराते हैं उसी आश्रम। उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर नगर में मुख्य चौराहे से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जावल ऋषि का आश्रम मौजूद है। जेवर खादर मार्ग पर शहर से दूर एकांत में शांति से सराबोर यह आश्रम जेवर वासियों की आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है। महर्षि जावली के नाम पर ही इस शहर का नाम जेवर पड़ा था। क्षेत्र के लोगों की महर्षि जावली के प्रति खास आस्था है। मंगल और शनिवार के दिन विशेष रूप से लोग दर्शन करने के लिए आश्रम आते हैं और महर्षि की चरण स्थली पर सिर झुकाते हैं। लोगों का मानना है कि जो भी सच्चे भाव से यहां आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जावली ऋषि मंदिर पूरे संसार में दो ही जगह है, एक हमारे जेवर में, एक मध्य प्रदेश में है, बाकी कहीं भी नहीं है। और जावली ऋषि जो हमारा जेवर है, इसका नाम ही जावली ऋषि पर पड़ा है। जेवर की नींव जावल ऋषि वाले बाबा के द्वारा ही रखी गई है। यहाँ पर इन्होंने कठोर तप करा था, यहाँ पर इनके पैरों के स्पर्श भी मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखते होंगे दो हैं, एक जावल ऋषि वाले महाराज हैं, एक उनके शिष्य हैं, और जो पीछे की तरफ है वो उनके शिष्य के शिष्य हैं। हमारे मन में इनकी बहुत ज़्यादा आस्था है। हम यही कह सकते हैं मेरा जन्म शायद इनके आशीर्वाद से हुआ है। लोग अपनी मन्नत लेके आते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पर आएंगे वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, बाबा उनकी झोली जरूर भरेंगे। और मेरा खुद का विश्वास है ये, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से भी कहा था, उनकी भी विश पूरी हुई है। आश्रम की शुरुआत में एक स्थान पड़ता है जिसे झाड़ी वाले बाबा का स्थान कहा जाता है। और मंदिर के शुरुआत में यह स्थान होने के बावजूद पूरे मंदिर के दर्शन करने के बाद में लोग यहाँ पर आते हैं जहाँ झाड़ी वाले बाबा ने तपस्या की थी बैठकर। तो ये वही स्थान है जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दुर्लभ स्थान इसको कहा गया है। और पूरे मंदिर का परिक्रमा करने के बाद और सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद अंत में लोग झाड़ी वाले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। कहा जाता है कि उस समय पर जब यहाँ जंगली जंगल हुआ करता था, महर्षि जावली यहाँ बैठकर तपस्या किया करते थे। और ये वही दुर्लभ स्थान है जहाँ पर बैठकर अनेकों संतों ने तपस्या की है। तो आइए दर्शन करते हैं उस अद्भुत स्थान के जिसे झाड़ी वाले बाबा का स्थान कहा जाता है। यह बहुत पवित्र जगह है जावल ऋषि महाराज, और यहाँ जो मनोकामना मन से मांगता है वो पूरी होती है। महर्षि जावल ऋषि के तपोभूमि में इस वक्त अपने आप को पाकर हम धन्य महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो एक स्थान है जहाँ पर यहाँ के जो महंत हैं, ऋषि हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, वो वहाँ बैठकर अपना धुना रमाते हैं। इसके अलावा आप साइड में देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है। इसके अलावा इन्हीं के साथ में शिव मंदिर भी है और उसी के बराबर में है महर्षि जावल ऋषि आश्रम की चरण स्थली। महर्षि जावल ऋषि की यहां पर मौजूद है। महर्षि
महर्षि जावाली का पूरा नाम सत्यकाम जावाल था। यह महर्षि गौतम की शिष्य थे तथा इनकी माता का नाम जवाला था। इनके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र के समय के वृतांत में भी इनका जिक्र सुनने को मिलता है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी अपनी रचना रामचरितमानस में महर्षि जावाली का जिक्र किया है। इसके अलावा इनके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होने को लेकर भी अनेक कथाएं प्रचलित है। जेवर तथा क्षेत्रवासियों के लिए महर्षि जाबाली आश्रम विशेष महत्व रखता है। आध्यात्मिकता के अलावा समाज के शोरगुल से एकदम दूर विशेष शांति सहेजे हुए यह आश्रम अक्सर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भीड़भाड़ की जिंदगी और तनाव को दूर करने के लिए जेवरवासी और समस्त क्षेत्रवासी जावल ऋषि आश्रम की ओर रुख करते हैं तथा महर्षि जावाली की शरण में आकर विशेष शांति का अनुभव करते हैं। सभी समुदाय के लोगों की महर्षि जावाली में अनूठी श्रद्धा है। जावल ऋषि आश्रम अपने आप में जेवरवासियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है, जिसका मुख्य कारण है अपने आप में समाज से एकदम दूर स्थल बनना। साथ ही एक ऐसी विशेषता अपने आप में, दिव्यता अपने आप में लिए हुए है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह एक गुफा स्थल है और ये गुफा काफ़ी प्राचीन है, जिसका आप सौंदर्यकरण कर दिया गया है और ध्यान करने के लिए लोग इस गुफा का उपयोग किया करते थे। देखिए, यही वो गुफा है जिसका मार्ग नीचे से है और इसमें जाने के लिए नीचे से एक रास्ता दिया हुआ है, जहां कभी प्राचीन समय में संत लोग बैठकर तपस्या किया करते थे और ध्यान लगाया करते थे। ये बहुत पुराना मंदिर है और बताते हैं ये जो है राम के समय में ये ऋषिराज उनकी बारात में गए थे, जो लोग बाग बताते हैं। और इसको बहुत मानते हैं, सभी पब्लिक मानती है, हर ब्रादर का मानता है और इसकी मानता भी अच्छी है और मनोकामना पूरी भी करता है सब जो है। करीब 35 साल तक मुझे यहाँ आते आते हो गए और आने के बाद में शांति मिलती है और आदमी दिल दिमाग को या उम्मीद को भी लेके आता है, उसको भी मतलब कहना राहत मिलती है यहाँ से। कौन सा मुस्लिम हूँ लेकिन मुझे भी यहाँ काफ़ी शांति मिलती है और सभी लोगों को ये पहचान करना चाहूँगा मैं कि यहाँ आते रहें। और जावे ऋषि महाराज जेवर का जो नाम है इन्हीं के नाम से ही सिद्ध है। जावल ऋषि आश्रम के पीछे एक समाधि बनी हुई है श्री श्री 108 श्री सेवानंद जी महाराज की। इसके अलावा आप एक बहुत ही खूबसूरत पार्क जावल ऋषि आश्रम की बैकग्राउंड में बना हुआ देखते हैं, जहां आप शांति का विशेष अनुभव करती हैं। इसके अलावा ये जितना भी झाड़ी वाला स्थान बचा हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ पर काफी घनघोर वन हुआ करते थे, काफी भयंकर झाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन अब ये छोटा सा हिस्सा झाड़ियों का बचा हुआ है तो इसी को कवर करके यहाँ के कमेटी ने, यहाँ के
संचालक लोगों ने इसको कवर्ड कर दिया है ताकि ये सुरक्षित रह सके और इसका कटान ना हो सके। ये वही झाड़ियां हैं, दिव्य झाड़ियां, जहां पर महर्षि जावली तपस्या किया करते थे। तो इसी की परिक्रमा के लिए एक स्थान बनाया गया है। इसी पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करके लोग अपने आप को कृतार्थ करते हैं, धन्य समझते हैं। आइए चलते हैं उसी परिक्रमा मार्ग पर, जावल ऋषि महाराज की आश्रम की परिक्रमा करते हैं। मुझ पे रखो यू हाथ, तुम मेरे नाथ हो, भोलेनाथ तुम मेरे नाथ हो, भोलेनाथ जो हमारा आने का जो हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमें सद्भावना मिलती है, वो ऐसे जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होती हैं और सच्चे दिल से जो आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जावल ऋषि आश्रम के आसपास का मौसम इतना सुहावना होता है कि यहाँ हर जेवरवासी शाम को आकर अपना वक्त बिताने में अपना सौभाग्य समझता है। मैं इस वक्त जावल ऋषि आश्रम के पास लहराते खेतों में खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त यहाँ एक शुद्ध वायु मुझे प्रतीत हो रही है, बहुत खूबसूरत मौसम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सरसों के लहराते खेत। लेकिन लोगों के सामने एक बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत का सारा कूड़ा इस वक्त यहीं पास में एक डंपिंग ग्राउंड बनाकर डाला जा रहा है। कई बार सक्षम अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है कि वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालें, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद भी अभी तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। काफ़ी मक्खियाँ, बदबू, गंदगी आश्रम की ओर आती है, जिस कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और रहने वाले संतों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरा सक्षम अधिकारियों से निवेदन है कि लोगों की इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान कराएं। आप यहाँ जंगल में आश्रम में रहते हैं, कुछ समस्या आती है यहाँ पर रहने के लिए? इसमें यहाँ समस्या और कोई नहीं आती, बस यहाँ सिर्फ लैट्रिन की समस्या है, डोल डाल जाने की समस्या है, चारों तरफ तार खींचे हुए हैं और जो है लोग बाग खेतों में घुसने नहीं देते। अब देखो ये मंदिर होता हुआ जंगल में मंदिर है तो बाबा जी कहाँ जाएगा। बस सबसे बड़ी परेशानी यहाँ यही थी, यही है कि जो डोल डाल जाने में बड़ा दिक्कत होती है। जेवर के मेन चौराहे पर महर्षि जाबाली की मूर्ति विराजमान है। लोग अपने दिन की शुरुआत महर्षि के चरणों में शीश झुकाकर करते हैं।
जेवर क्षेत्र में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित किया गया है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों की मांग है कि जेवर क्षेत्र में बनने वाले इस एयरपोर्ट का नाम महर्षि जाबाली के नाम पर रखा जाए। जितेंद्र पाराशर और कपिल मांगरोल के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस, जेवर।